हुई है शादी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि शलगम किस तरह निकालते हैं और ये किस तरह बिकता है, बाद इसको किस तरह धो के शावर इसके भरते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना। मुझे जगह दी था ग्रांड दी को ग्रांड दी था टिपर ग्रांड जी संगा जगह जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं शलजम निकाले जा रहे हैं और कुछ लोग इसको शलगम कहते हैं, कुछ शलजम कहते हैं और हमारी ज़ुबान में इसको ठिप्पर कहते हैं और पुश्तो में भी इसको ठिप्पर कहा जाता है। और ये आप देखें कितनी आसानी से हाथ के साथ निकाल रहे हैं। और इसको निकालने से पहले पानी लगाना फसल को लाजमी है क्योंकि इससे ज़मीन नरम हो जाती है, ये आसानी से निकाल आते हैं। फिर फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये ठिप्पर और कितने साफ़ सुथरे, क्योंकि इसको इस तरह काटते हैं, ये देखें आप, ये साफ़ करते हैं इस तरह पीछे से पत्ते भी हटा के, और इसके बाद ये धोएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किधर धोने हैं इसको। ये आप देखें छोटू लगा हुआ है, सफाई कर रहा है ठिपरों की और बहुत तेज़ी से कर रहा है। दोस्तों ये शलजम की फसल तकरीबन आलू की फसल से कुछ दिन पहले आ जाती है और ये अगर चांस लग जाए तो अच्छी बिक जाते हैं, आलूओं से भी अच्छे बिक जाते हैं, और अगर चांस ना लगे तो ये फिर जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर ये नहीं बिकते। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि इसका ख़र्चा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इसका ख़र्चा नहीं है, लेकिन आलू की जो फसल है उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा है। अगर उसमें नुकसान हो जाए तो आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इसमें नुकसान हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि इसका ख़र्चा नहीं है। तकरीबन इसका रेट अभी इस टाइम फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 हज़ार रुपये की बोरी बिक रही है जो शापर टाइप होती है, मैं आपको लास्ट में दिखा सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं मूलियाँ भी, साथ में मूलियों के गड्ढे भी बांध के लेके जाएंगे। ये आप देखें तकरीबन एक गड्ढे में तकरीबन 10 से 12 मूलियाँ हैं। और ये देखें सर्दी का मौसम है, सर्दी नई नई शुरू हुई है। मूलियां धोने के बाद हमने अभी ट्रिपर धोना शुरू कर दिए हैं शलजम, और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी है दरिया का, उसमें हम शलजम धोएंगे। ये दरिया सिन के मकाम पे हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये आसान होता है इधर धोना। ये अभी धो के उसके बाद हम इसको शापरों में डालेंगे, इसके बाद हम इसको लोडर में डाल के या अटक सिटी लेके जाएंगे या फिर रावलपिंडी लेके जाएंगे, जहाँ रेट हमें सही लगेगा हम उधर लेके जाएंगे। और ये देखें शलजम के बोरियाँ भी कह सकते हैं, त्रोड़े भी कह सकते हैं और शापर भी कह सकते हैं, ये तैयार हो गया बिल्कुल। और ये मूलियाँ देखें आप,